हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ में, या फिर दाल चावल के साथ में, या रोटी पराठे किसी के साथ में भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ये 3 टमाटर, उसको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये मैंने देसी टमाटर ली। फिर मैंने लिया ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 4 से 5 हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा और नमक। जीरा को हमको हल्का सा भूनना है और हम टमाटर को भी थोड़ा सा आग में भून लेंगे। तो अभी एक साइड हम ये जीरे को थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके लिए मैंने ये जीरे को इसमें डाल दिया है और यहाँ पे मैंने दूसरे गैस में इस तरीके की जाली रख दी है, जिसमें मैं वो टमाटर भूनूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट गैस पर भी भून सकते हैं। तो इस तरीके से पलटते रहिए ताकि चारों तरफ से टमाटर अच्छे से भुन जाएं, सिक जाएं। देखिए, इसकी जो ऊपर का छिलका है टमाटर का, वो निकलने लगा है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस चारों तरफ से ये सिकना चाहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ऊपर की परत निकल रही है, बस उतना ही हमको सेकना है। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए, टमाटर मैंने इस तरीके के बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हमको इसके ऊपर का ये छिलका निकालना है। तो थोड़ा सा टमाटर को ठंडा हो जाने दीजिए और फिर उसके बाद इसके ऊपर के छिलके हटा दीजिए। इस तरह से खाना बनाने में थोड़ा बहुत हाथ तो आपका लगता ही है, तो हैंड वॉश अच्छे से कर लीजिए जब आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये मैंने टमाटर के छिलके निकाल लिए हैं। अब इस टमाटर को धोना नहीं है आपको, क्योंकि आपने पहले ही धो लिया था, और अब इसको डायरेक्टली हमें जार में डालना है। तो ये देखिए, टमाटर के छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं मिक्सर के जार में इन टमाटर को डाल दूँगी। अब हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च और लहसुन, हरा धनिया, ये जीरा हमने भून करके रखा हुआ था, ये मैंने 1 चम्मच जीरा लिया था, डाल देती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद के लिए। तो ये इसमें मैं डालूँगी करीब 1/2 चम्मच नमक। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, अच्छे से मिक्सर में पीस लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से पीस दिया है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये देखिए, हमारी टमाटर की चटनी मस्त बन करके तैयार हो गई है। अब बस आप इसको सर्व कीजिए किसी भी स्नैक्स के साथ और एंजॉय कीजिए। आप भी घर पर इसे बनाइए, और अगर आपको चटनी पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।